हेलो एवरीवन, दिस इज़ अविनाश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय गार्डनिंग यूट्यूब चैनल वाव गार्डनिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों ओलियंडर प्लांट्स केयर, यानी कि इसे कनेर के नाम से भी जानते हैं। जनरली आप देखोगे कि इसमें जो एक और वैरायटी आती है येलो ओलियंडर होता है, उसमें ऑरेंज कलर या वाइट कलर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। उसका जो साइज़ एंड शेप होता है थोड़ा सा ऐसे डिफरेंट होता है, ये जैसे कि राउंड शेप में आपको कलर इसके दिख पा रहे होंगे फ्लावर्स के, वो थोड़ा सा लंबा होता है। उसके पहले भी मैं आपके साथ उसकी केयर वीडियो शेयर कर चुका हूँ। जनरली मैं बात करूं इस प्लांट की, तो जैसा वो वाला प्लांट काफ़ी हार्डी होता है इंडियन क्लाइमेट में ग्रो करने के लिए, वैसे ये वाला प्लांट भी काफ़ी अच्छी तरीके से और इजीली ग्रो कर जाता है। तो जब मेरे पास वाला प्लांट था और जब मैंने इसे देखा तो मुझे लगा नहीं नहीं मेरे पास तो ये भी होना चाहिए, तो फिर मैंने इसे भी लगा लिया और आपके साथ जो है आज मैं इसकी केयर वीडियो शेयर कर रहा हूँ। वैसे तो ये मेरे पास जो प्लांट है ये करीब 1-1.5 साल से है और इसकी ग्रोथ आप देख रहे होंगे कितनी बेस्ट ग्रोथ चल रही है अभी। और मैंने इसमें कई सारे जो है प्लांट्स एक साथ मैं लेके आ गया था, तो फिर मेरे पास स्पेस ना होने के कारण मैंने एक ही इसको जो है जगह पर प्लेस कर दिया। खैर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब अगर आगे इसमें कोई दिक्कत होगी तो मैं इसको एक सेपरेटेड पॉट में शिफ्ट कर दूंगा। अगर मैं बात करूँ दोस्तों नेक्स्ट इसमें इसकी लीफ की, तो देखिए मैं आपको कंपेयर करके दिखा देता हूँ। ये जो पुराने ओलियंडर मतलब कि मैंने आपको जो पहले वीडियो दिखाई है उसकी है, येलो ओलियंडर जिसको बोलते हैं, और उसमें आप इसकी लीव से कंपेयर कर सकते हैं कि देखिए इसकी लीव का साइज़ थोड़ा सा जो है डार्क ग्रीन है, इससे बड़ा है और थोड़ा सा इसको आप जब इसको ऐसे टच करके देखेंगे तो इसका टेक्सचर आपको थोड़ा सा रफ़ लगेगा, इससे थोड़ा सा हार्ड हार्ड सा फील होगा। तो थोड़ा सा अलग ही वैरायटी रहती है ये वाली, तो अगर आप इसे लगाना चाहते हैं अपने गार्डन में तो ज़रूर लगाइए, बहुत ही सुंदर दिखता है, अट्रैक्टिव लगता है। इसमें एक दोस्तों पॉइजन भी निकलता है, वो आपके लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है, वाइट कलर का साफ जैसा निकलता है, तो वाइट वाइट जो मिल्क जैसा रहता है आप उससे थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक चीज़ रहती है दोस्तों। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या पेट्स वगैरह हैं, डॉग वगैरह हैं, थोड़ा सा उनसे उनकी रीच से थोड़ा दूर रखिएगा, हो सकता है कि उनसे कोई प्रॉब्लम भी उनको हो सकती है, क्योंकि कई बार जो है रेडनेस की या ईचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, तो थोड़ा उस बात का ख्याल रखिएगा। वैसे इस वाले प्लांट में तो ऐसी दिक्कत नहीं होती क्योंकि इसके अंदर वैसा ज़्यादा पॉइजन नहीं होता, फिर भी जो है मैं आपके सेफ साइड के लिए बता दे रहा हूँ। अभी मैं बात कर लेता हूँ इसकी सॉइल मिक्सचर की, कैसे रेडी करनी हो, मैंने कैसे बनाई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पास जो मैं आपको सॉइल मिक्सचर दिखाऊंगा, फिलहाल तो मैंने पानी दिया हुआ है, तो अभी तो इसकी जो सॉइल मिक्सचर आपको है थोड़ा सा इसमें गीली दिख रही होगी, फिर भी मैं आपको सॉइल मिक्सचर आप बता देता हूँ। आप 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लीजिएगा, इसमें आप 30% के करीब जो है कंपोस्ट ले लीजिएगा अच्छी, और इसमें जो है 20% के करीब जो है इसमें सैंड ऐड कर लीजिएगा, रिवर सैंड जो भी आपको मिल जाती है। तो उस मिक्सचर में क्या है बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करेगा ये प्लांट। और देखिए इसका जो आपको एक और कलर यहाँ पर दिख रहा होगा, वैसे काफ़ी सारे कलर्स में आते हैं, पिंक, रेड, वाइट, तो मेरे पास जनरली इसमें अभी दो ही कलर हैं और दोनों ही बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लॉरिंग कर रहे हैं। और इसमें देखिए जैसे ये हैवी फीडर होता है, ये जो है हमेशा आपका सारा साल जब लगा लेते हो अपने गार्डन पे और मैच्योर होने के बाद ये सारा साल आपके जो अपने प्लांट्स में फ्लावर्स आते ही रहते हैं इसके, तो आप जो है ये एक हैवी फीडर प्लांट है, तो और ये पेरेनियल प्लांट होने के साथ साथ जो है आपके हमेशा गार्डन पर रहता है, तो आप क्या कीजिएगा इसमें थोड़ा हैवी फर्टिलाइजेशन कीजिएगा। हैवी फर्टिलाइजिंग करने का मतलब ये है कि इसमें कंपोस्ट जो है दोस्तों आप देते रहिएगा, महीने में 2 बार अगर आप कंपोस्ट देंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके इसकी जो लीव्स है वो भी निकल के आएंगी, साथ में जो इसका फ्लावर का साइज़ है, कलर है, शेप है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से बन के आएगा। वैसे जनरली मैं आपको जो बताता हूँ इसके लिए NPK बेस्ट रहता है, 19-19-19 मैं यूज़ करता हूँ, आप अगर वो भी दे देते हैं तो इसके लिए एफिशिएंट है और ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती इस प्लांट को। थोड़ा सा ग्रो स्लो करता है, तो आप क्या कीजिएगा उसमें थोड़ा सा बोन मील इसमें आप दे सकते हैं, अगर आपके पास मिल जाती तो बोन मील ज़रूर उसमें ऐड कीजिएगा, उसमें क्या होगा कि आपको कैल्शियम का भी सोर्स अच्छा मिल जाएगा, फॉस्फोरस भी मिल जाएगा, तो दोनों चीज़ आपको मिल जाएगी उसके लिए, और लिक्विड तो मैंने आपको बताया है। अच्छा एक चीज़ और है इसमें, आप जो है मस्टर्ड की एक फर्टिलाइज़र मैं आपको बताता हूँ, वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है जैसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है, और मैंने इसके ऊपर जो अप्लाई करके देखा, तो आप मस्टर्ड की एक अप्लाई कीजिएगा इसके ऊपर, थोड़ा सा लिक्विड बना लीजिएगा उसको और लिक्विडली इसे दीजिएगा, तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये ग्रो करता है, फ्लॉरिंग भी आती है। बात करूँ कुछ पेस्ट वगैरह की, तो इस प्लांट में मेरे को जनरली कोई भी पेस्ट वगैरह देखने नहीं मिलता है, हाँ कभी कभी स्पाइडर माइट्स दोस्तों इसमें अटैक करती हैं, तो स्पाइडर माइट जनरली जो है इतना डैमेज नहीं करती हैं प्लांट्स को, फिर भी आप जो पेस्टिसाइड वगैरह अपने 15-20 दिन में अप्लाई करते हैं
तो इसमें भी आप दे सकते हैं, वैसे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बात और है इसकी, अगर मैं प्रूनिंग या प्रोपगेशन की बात करूँ दोस्तों, तो देखिए प्रूनिंग वगैरह जो है इसकी, अब जैसे रेनी सीज़न आ रहा है तो आप हल्की फुल्की जो इसकी लाइट ट्रिमिंग कर सकते हैं। अगर बहुत ही मैच्योर प्लांट आपके यहाँ हो गया है तो आप जो है इसकी थोड़ा हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, तो मल्टीपल ब्रांचेस निकल के आती हैं प्रूनिंग में, ये एडवांटेजेस रहता है। और वैसे तो मैं बताऊँ आपको कि अपने आप ही ये जो है अपनी साइज एंड शेप को मेंटेन करता है, अपने आप मल्टीपल शूट्स निकालता है। वैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पास आपको एक गैप दिख रहा होगा, तो जब ये फ्लावर्स जिसमें स्टार्टिंग हुई थी फ्लावरिंग की, तो यहाँ से दोस्तों बीच से एक ऐसा स्टिक सा निकल के आया, उसी में फ्लावरिंग होती है। जैसे आप यहाँ पास देख रहे हैं ये एक स्टिक में ही इसकी फ्लावरिंग होती है काफ़ी सारी बंचेस में, तो जब वो जिसके फ्लावर्स है मैंने तोड़ लिए या जो स्पेंड फ्लावर हुआ है उसके बाद जो इसकी स्टिक रहती है वो एकदम ड्राई हो जाती है, तो वो जो स्टिक है आपको वहाँ से निकाल देनी होती है। आप जब उसे तोड़ देंगे तो वहाँ से क्या होगा कि 2 से 3 नए शूट्स निकल के आएंगे और अपने आप जो है आपका प्लांट फिर से बूशी हो जाएगा। आपको ज़्यादा इसमें प्रूनिंग वगैरह भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये आसानी से दोस्तों कटिंग से भी लग जाता है। नहीं है तो आप जो इसको नर्सरी से ला सकते हैं अगर आपको कटिंग्स लेना पसंद नहीं है तो। अगर मैं पॉट की बात करूँ दोस्तों, तो देखिए मेरी जो है 10 लीटर की बाल्टी थी और ये पूरी फुली वेस्ट मैनेजमेंट का अच्छा एग्जांपल आपके सामने, तो मेरे पास ये ख़राब हो रही थी तो मैंने इसी में लगा लिया, क्योंकि जब भी मेरे पास पॉट्स वगैरह नहीं रहते हैं और ऐसी कोई वेस्ट की चीज़ रहती है तो मैं इसमें लगा लेता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं ये बायोडिग्रेडेबल तो होती नहीं है, तो हम इसका ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें लगा लिया और देखिए कितने अच्छे तरीके से ये ग्रो कर रहा है, और मैंने इसको काफ़ी सारे अपने प्लांट्स के बीच में अभी ऐसे शिफ्ट किया हुआ है, तो ये इस कंडीशन में काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। मैं बात करूँ इसकी वाटरिंग की दोस्तों, तो वाटर इसमें रिक्वायरमेंट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है समर्स के टाइम में। अब जैसे कि रेनी सीज़न आ रहा है तो इतनी रिक्वायरमेंट तो नहीं रहती, क्योंकि एक ना एक दिन के गैप में जो है बारिशें होती रहती हैं, कई कई जगह रेगुलर बेसिस में बारिश होती हैं, तो आपको ये बात का थोड़ा ख्याल रखना है कि इसमें जो है आप ओवर वाटरिंग अपने से मत कीजिएगा, क्योंकि जो नेचुरल वाटर होता है रेन वाटर होता है वो प्लांट जो है इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट जो आप अलग से डालते हो पानी ऊपर से देते हो उन्हें, तो वो अगर जाता रहेगा हमेशा रूट के पास तो फिर रूट रॉट की प्रॉब्लम हो जाएगी आपके प्लांट्स में, और फिर आपके जो प्लांट हैं पत्तियाँ गिराने लगेंगे, फ्लावर्स नहीं आएंगे, तो मल्टीपल आपको जो है इसमें नुकसान हो सकते हैं आपके प्लांट्स में। तो आप इसको थोड़ा ऐसे रखिएगा कि हमेशा इसकी नमी बनी रहे, इस प्लांट को थोड़ा सा मॉइस्चर काफ़ी अच्छा लगता है, लेवल बना रहेगा तो ये अच्छी तरीके से ग्रो करता है। बहुत ज़्यादा आपके ड्राई हो जाती है तो थोड़ा सा मल्चिंग आप कर सकते हैं ऊपर से, जो पुरानी लीव वगैरह रहती है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं बात करूँ लाइटिंग कंडीशन की, तो लाइटिंग कंडीशन तो आपको मालूम ही, आप इतने दिन से अगर मेरी वीडियो वॉच कर रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि कोई भी फ्लावरिंग प्लांट फ्रूटिंग प्लांट जो है उसको सनलाइट की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, तो सनलाइट पे आप इसे प्लेस कीजिए। जब भी सनलाइट में आप इसे अगर मॉर्निंग की सनलाइट मिलेगी 5 से 6 घंटे की या 4 से 5 घंटे के लिए भी इसे सफिशियंट रहती है, तो आप वहाँ पर इसे रख दीजिए, बस आपको कुछ करना ही नहीं है, बाकी नेचर अपने आप खुद ही काम करेगी, ये फूड वहाँ से बनाएगा और अपने आप ही दोस्तों ये फ्लावरिंग आएगी इसमें। फर्टिलाइज़र तो मैंने आपको बता ही दिया है, कभी कभार जब आपकी अच्छी फर्टिलाइजिंग होने के बाद भी इसमें फ्लोरिंग ना आए तो आप थोड़ा सा पोटास यूज़ कीजिएगा, तो आपको बेस्ट रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। पोटास के लिए आप केमिकली भी जा सकते हैं या तो फिर आप बनाना पील फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिए, ऑर्गेनिकली है, बेस्ट रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलता है। आप यहाँ पास देख सकते होंगे कि इसमें जो मैंने प्लांट लगाया है इसको एक स्टिक से, बड़ी स्टिक से इसमें यहाँ पे सपोर्ट दिया हुआ है, क्योंकि ये जब हवा चलती है ना दोस्तों तो काफ़ी बार ये काफ़ी तेज़ी से हिलता है, उसके कारण क्या होता है कि आपका पॉट भी टूटने का डर रहता है और प्लांट्स तो आसानी से ही टूट ही जाते हैं, तो इसकी सेफ साइड के लिए मैंने यहाँ पे एक स्टिक लगा दी है। अगर आपका प्लांट छोटा सा है तो कोई बात ही नहीं, अगर आपके पास भी ऐसा बड़े बड़े से स्टिक्स वाले प्लांट है तो आप उसको थोड़ा सा सपोर्ट दे दीजिएगा, तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपका जो प्लांट है वो ग्रो करने लगेगा। तो बस यही कुछ केयर होती है, मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली हैं। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ें छूट गई हैं तो प्लीज़ मुझे नीचे आप पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा आपको। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, वैल्यूबल लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पर किसी एक नए टॉपिक के साथ, नए प्लांट केयर के साथ, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।